नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मनचलों के हौसले इतने बुलंद हैं, आए दिन दिल्ली में महिला से छेड़छाड़ और बदसलूके के मामले सामने आते रहते हैं। ताजा मामला दिल्ली के द्वारका का है, जहां पर युवक द्वारा छात्रा पर तेजाब फेंकने का मामला सामने आया है। दिल्ली पुलिस के अनुसार द्वारका इलाके में एक लड़के ने एक छात्रा पर तेजाब फेंका है। घटना में बुरी तरह से घायल छात्रा को सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया। सूचना पर दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे हैं। जानकारी के मुताबिक घटना में दो युवक शामिल थे। यह आरोपित नीले रंग के बाइक पर सवार था। वहीं पीड़िता 12वीं कक्षा की छात्रा है। राजधानी में दिन दहाड़े घटी इस घटना से पुलिस के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। द्वारका के डीसीपी एम हर्षवर्धन ने घटना की जानकारी देते हुए कहा है कि द्वारका के मोहन गार्डन पुलिस स्टेशन में सूचना मिली कि 17 साल की लड़की पर एसिड जैसे किसी पदार्थ से बाइक सवार के दो लड़कों ने अटैक किया है। लड़की की इलाज चल रहा है और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं 8% जली हुई लड़की बताई जा रही है। साथ ही बता दें कि एक लड़के को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा है कि जांच के दौरान पता चला है कि दूसरा लड़का मुख्य संदिग्ध लग रहा है और उसको पकड़ने के लिए कई टीमें बनाई गई है। सभी बिंदुओं पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने छात्रा पर एसिड अटैक मामले का संज्ञान लिया है। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर लिखा है कि द्वारका मोड़ पर पास स्कूली छात्रा पर तेजाब फेंका गया है और हमारी टीम पीड़िता की मदद के लिए अस्पताल पहुंच रही है। बेटी को इंसाफ दिलाएंगे। दिल्ली महिला आयोग सालों से देश में तेजाब बैन करने की लड़ाई लड़ रही है। कब जागेगी सरकार? राष्ट्रीय महिला आयोग भी दिल्ली में छात्रा पर हुए ऐसे हमले का संज्ञान लिया है। आयोग की एक टीम मामले में जांच करने और पीड़िता को हर संभव मदद पहुंचाने के लिए अस्पताल पहुंचेगी। मामले को लेकर NTPCR ने DCP द्वारा और DM साउथ वेस्ट को नोटिस भेजा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो हेड सैयद जुड़ गए हैं। सैयद, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो दिल्ली के द्वारका से जो मामला सामने आया है, इस मामले को लेकर पुलिस अब कहां कार्रवाई कर रही है और क्या कुछ इसमें अपडेट देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, आप देखिए जिस तरीके से मामला सामने आया उसके बाद से हरकत में पुलिस तो आई, साथ साथ महिला आयोग भी आया और NTPCR की टीम भी हरकत में आई है। दूसरी तरफ दिल्ली सरकार के गृह विभाग को भी स्वाति मालीवाल ने नोटिस किया है। बात करें अगर पुलिस की, तो पुलिस द्वारका डिस्ट्रिक्ट के DCP ने साफ तौर पर कर दिया कि जो शख्स हैं उनकी पहचान कर ली गई है, जिसमें से एक शख्स पहचाना भी गया और दूसरा जो बाइक सवार था उसको भी पहचानने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल अभी तक का अपडेट जो है वो इसी प्रकार है। लेकिन वही जिस तरीके से मामला संज्ञान में आया उसके बाद से लगातार चौतरफा कार्रवाई की बात जो है वो हो रही थी। जिस तरीके से भांग उठ रही थी उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे थे। स्वाति मालीवाल लगातार इस बात को लेकर आ रही थी, दिल्ली में इस तरीके का एसिड का जो बेचने का चलन है उसको पूरी तरीके से बैन किया जाए, जिसके लिए उन्होंने कई बार, चाहे वो गृह विभाग हो, दिल्ली सरकार हो या दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनको ये खत लिख चुकी हैं। इस मामले को लेकर कई बार स्वाति मालीवाल खुद धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार दिल्ली में इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं सवाल निशान, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे हो, वो बिल्कुल खड़ा होता है। सैयद, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से ये एसिड अटैक का जो ये मामला है, काफी बड़ा मामला ये होता है और इस पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की चुप्पी देखने को मिल रही है, कोई भी इसको लेकर वैसा कोई बहुत मुख्य बयान आम आदमी पार्टी की तरफ से, या जो आम आदमी पार्टी के मुखिया है अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, जो हमेशा हर बात को लेकर सामने खड़े रहते हैं, उनका कोई बयान ऐसा नहीं आया है। क्या अब इसको लेकर सरकार चुप्पी साधे नजर आएगी या अब इसको लेकर विपक्ष इस मुद्दे को भुनाते हुए नजर आएगी? लेकिन उन्होंने सबसे अहम बात, जिस तरीके से मामला संज्ञान में आया उसके बाद सरकार के गृह विभाग को स्वाति मालीवाल की तरफ से नोटिस जारी हुआ। हाँ, ये बात कहना भी जरूरी है कि सरकार की तरफ से अपना कोई पक्ष नहीं रखा गया, फिलहाल ना ही किसी तरीके का औपचारिक बयान सामने आया है।
एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है और इस तरह की चीजों को लेकर, क्योंकि दिल्ली पुलिस वो केंद्र सरकार के अधीन है। साफ तौर पर आम आदमी पार्टी, इससे पहले भी कई मामले हुए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दिल्ली पुलिस हमारे अधीन नहीं है, जिसको लेकर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं है। लेकिन राज्य में सरकार होने के नाते हमारा नैतिक कर्तव्य इस बात को लेकर है कि हम महिलाओं के प्रति जो बढ़ रहे अपराध हैं उन पर कहीं ना कहीं हम लगाम लगाएं, जिसको लेकर कई बार। मैं आपसे और एक सवाल लेना चाहूंगी, मैं जानना चाह रही थी इसमें पीड़ित परिवार से आपने बातचीत की होगी, उनका क्या कुछ कहना है? देखिए पीड़ित परिवार फिलहाल, क्योंकि जो पीड़ित है वो पूरी तरीके से झुलसी है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया, पीड़ित परिवार किसी तरीके से भी कुछ भी बयान देने की स्थिति में नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि सुबह की घटना है, छात्रा स्कूल जा रही थी, 16 साल से 17 साल के बीच की उम्र बताई जा रही है, उसके परिवार की तरफ से कई बार बात करने की कोशिश जरूर की गई लेकिन अभी तक परिवार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। फिलहाल दिल्ली पुलिस का जो बयान आया उसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि हमने पहचान की है और दूसरी सीसीटीवी फुटेज के जरिए हम आगे की कार्रवाई को और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे एनसीपीसीआर की बात करें या आपके कह रहे डीपीसीआर की बात करें या महिला आयोग की बात करें, ये जो विभाग है, जो संस्था है, इन्होंने संज्ञान लेके और अपने हैंड पर अगर हम बात करें तो इन्होंने कार्रवाई को आगे बढ़ाने की मांग की है। जबकि स्वाति मालीवाल इस मामले को लेकर पहले से ही बड़े मुकर नजर आई है, कई बार ऐसे मामले हुए हैं जिसको लेकर स्वाति मालीवाल ने चाहे वो नोटिस सर्व करने की बात हो, चाहे वो खुद संज्ञान लेने की बात हो, चाहे वो अपनी टीम भेजने की बात हो, सब चीजें करती है। लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से इसका आधिकारिक कोई अभी बयान फिलहाल नहीं है। बिल्कुल सैयद, बने रहे आप हमारे साथ। और जिस तरीके से दिल्ली से द्वारका से मामला जो सामने आया है स्कूली छात्रा पर, जिस तरीके से ये एसिड अटैक किया गया है, या कहीं ना कहीं सरकार पर भी बड़े सवाल खड़ा करता है, साथ ही पुलिस प्रशासन पर भी काफी बड़ा सवाल खड़ा करते हुए नजर आता है। बिहार के सारण में जहरीले शराब से मौत को लेकर विधानसभा में नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। इसके साथ ही नीतीश कुमार को गुस्सा आ गया, वे बीजेपी के आग बबूला होते हुए नजर आए। नीतीश कुमार ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आप सभी पहले शराबबंदी के पक्ष में थे, अब क्या हो गया? दरअसल बिहार में सारण में ईसुआपुर और साथ ही मशरक थाना क्षेत्र में कथित तौर पर जहरीले शराब पीने से 19 लोगों की मौत हो गई। मृतकों के परिजनों के अनुसार मौत शराब पीने से हुई है, हालांकि इस मुद्दे पर प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। बताया जा रहा है कि अभी कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस ने तमाम आला अधिकारी इलाके में पहुंचकर जांच में जुट गए हैं। बीजेपी जहरीले शराब में हुए मौतों के मुद्दों पर नीतीश कुमार सरकार पर लगातार घेर रही है। बिहार विधानसभा में बीजेपी के इस मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश की थी और इसके बाद नीतीश कुमार आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और उन्होंने बीजेपी पर जमकर पलटवार किया। इसके बाद बीजेपी विधायक ने वॉकआउट कर दिया। बीजेपी के विधायकों ने सदन के बाहर कई मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी का कहना है कि जब तक नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का माइक सदन में बंद करने के मामले में सीएम नीतीश कुमार माफी नहीं मांगते हैं, सदन नहीं चलने देंगे। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि नशाबंदी को लागू करने के तरीके को और बेहतर करने की जरूरत है, इसे सख्ती से लागू करने के साथ ही दंड देने के तरीके को भी बदलने की जरूरत है। तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि नीतीश कुमार ने 2025 तक अपनी गद्दी सुरक्षित कर ली है और राजद जेडीयू को ठग लिया है, साथ ही जदयू राजद को ठग रही है और यह पता नहीं चल रहा कि, लेकिन जेडीयू के लोगों से कहूंगा कि 2025 का उनका भविष्य किसके हाथ में है, वे इनकी चिंता शुरू कर दें। और सैयद हमारे साथ इस मुद्दे पर भी जुड़े हुए हैं, हमारे ब्यूरो चीफ हैं। सैयद, मैं आपसे जानना चाहूंगी जिस तरीके से ये बिहार में मामला सामने आया है और इस दौरान 19 लोगों की मौत हो गई है, इस मामले पर जिस तरीके से नीतीश कुमार गुस्साए हुए नजर आए और विपक्ष जो सवाल कर रही थी उस पर वे जवाब नहीं देते हुए और गुस्साए हुए नजर आए, क्या इस पर नीतीश कुमार कुछ बोलना ही नहीं चाहते हैं? क्या वे चुप्पी साधना चाहते हैं?
देखिए सोनी, सबसे अहम बात जिस तरीके से बिहार में शराबबंदी की गई उसके बाद से लगातार ये कयास लगाया जाता है कि बिहार में पूर्णतः शराब को खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन आए दिन इस तरीके की चीजें जब निकलकर सामने आती है तो उससे कहीं ना कहीं प्रशासन हो या सरकार की मंशा पे सवाल जरूर खड़े होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ 19 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और काफी लोग गंभीर रूप से घायल है, तो जिसमें अभी तक सरकार ने अपना पक्ष नहीं रखा, जिसको घेरने की कोशिश विपक्ष ने जरूर की थी, भारतीय जनता पार्टी ने जरूर की थी, लेकिन उसके बावजूद भी जब खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उसको जवाब नहीं दिया तो कहीं ना कहीं विपक्ष समेत नीतीश कुमार भी गुस्सा है। और विपक्ष ने सीधे तौर पर यह कहा कि आखिर इस इतने बड़े मुद्दे के ऊपर मुख्यमंत्री जवाब क्यों नहीं देना चाहते, क्या वजह है, या फिर सिस्टम का फेलियर माने या फिर शराबबंदी पूरी तरीके से बिहार में नहीं है। तो दोनों चीजों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी साफ तौर कहा कि यही बीजेपी थी जो शराबबंदी के पक्ष में थी, लेकिन आज जिस तरीके की शराबबंदी को लेकर इतने सवाल खड़े कर रही है तो उससे कहीं ना कहीं बीजेपी और नीतीश कुमार दोनों इस वक्त आमने सामने जरूर नजर आ रहे हैं। जी सैयद, आपको नहीं लगता कि इस मसले पर जड़ तक जाने से जाना चाहिए? ये आरोप प्रत्यारोप जो विपक्ष और सरकार के बीच देखने को मिल रही है, इससे अच्छा जो मुद्दा है जहरीली शराब का, उसमें जिस तरीके से 19 लोगों की मौत हो गई है और पहले के आंकड़े अगर हम देखें तो बिहार में इस तरीके के पहले भी कई मामले सामने आए थे और कई मौतें हुई थी इस मामले पर, इस मुद्दे की जड़ तक जाने की जरूरत है? देखिए जनरली इस चीज को लेकर सरकार ने पहले ही आदेश दे दिए, चाहे वो डीएम हो, चाहे एसपी हो, एसएसपी हो या दूसरे अधिकारी हो जो मौके पे पहुंचे हैं, संगठन जो है जांच उस चीज की चल रही है उसके के। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं हुए, बिहार में जब से शराबबंदी हुई है उसके बाद से लगातार ऐसे दर्जनों मामले सामने आ चुके हैं जिसमें सरकार की नीति और नियतों दोनों पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। विपक्ष लगातार घेर रहा, यही बीजेपी जब नीतीश कुमार के साथ थी तब भी शराबबंदी के लेकर फेवर में थी, लेकिन अब जब अपोजिशन में है तो उसको दूसरे तरीके से घेरने की कोशिश की थी, जिस बात से नाराज होकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जवाब देने से साफ मना कर दिया। लेकिन प्रशासन की लापरवाही जरूर कह सकते हैं कि जब पूरे स्टेट में को ड्राई स्टेट कर दिया गया, घोषित कर दिया गया, पूर्ण रूप से शराब की पाबंदी लगा दी गई, तो इतनी बड़ी मात्रा में शराब कैसे आई, कहां से आई और इसके पीछे का जिम्मेदार कौन है, ये जवाब जरूर देना चाहिए। जी सही है, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है और बिहार में जिस तरीके से ये मौतों का आंकड़ा बढ़ा है और पहले भी इस तरीके की घटना जो सामने आई थी, इसके बाद से इस पर लगातार प्रशासन पर सवाल तो उठता ही है, लेकिन बिहार की सरकार पर भी सवाल उठता है जिस तरीके से इस पर नीतीश कुमार चुप्पी साधते हुए नजर आए और आग बबूला होते हुए नजर आए, विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए नहीं नजर आए, यह कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल समझिए, कहना गलत नहीं होगा कि नीतीश सरकार के ऊपर एक सवाल जरूर है, विपक्ष इस बात को लेके मुद्दा बनाने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन सवाल इस बात का है कि जिस तरीके से पूर्ण रूप से शराबबंदी की गई है उसके बावजूद भी अगर इतनी बड़ी खेप और इतने लोग अगर मारे जाते हैं जहरीली शराब पीने से तो उसका आखिर जिम्मेदार कौन है, कहीं ना कहीं सीधे तौर पर सरकार को घेरने की कोशिश है और सरकार को इसका जवाब भी देना चाहिए। जी बिल्कुल सैयद, सरकार को भी इसका जवाब देना होगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। उत्तरकाशी में पशुपालन विभाग द्वारा लंपी वायरस की रोकथाम को लेकर टीकाकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है। पूरे जिले में 52,735 पशुओं का टीका लगाया गया है। आपको बता दें कि जिले के गंगा और यमुना वैली से इस बीमारी से 1,822 पशुओं ग्रसित हुए हैं, जिसमें लगभग 1,724 पशु इस बीमारी से ठीक हुए हैं। इस बीमारी की चपेट में आने से लगभग 60 पशुओं की मौत हो गई है। जिले में पशुपालन विभाग की स्थिति पर पूरी तरह से नियंत्रण होने की बात कही गई है। आपको बता दें कि पूरे उत्तराखंड में इस वायरस की बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हुई है। वेरी गुड आफ्टरनून, मैं डॉक्टर भरतदेव ढोंडियाल, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी उत्तरकाशी। जी हमारे जनपद उत्तरकाशी में कुल अब तक दोनों गंगा वैली यमुना वैली में 52,735 टीकाकरण हो चुके हैं और जितने अफेक्टेड हमारे एनिमल्स जो थे यमुना वैली और गंगा वैली में मिलाकर ये 1,822 हमारे एनिमल्स अफेक्टेड थे, जिसमें से 1,724 हमारे एनिमल्स रिकवर्ड हो गए, बाकी उस पर अभी हाल में ही उनका इलाज भी किया जा रहा है। कुल डेथ जो हुई है वो 60 हुई है।
हमारे जनपद उत्तरकाशी में। अब क्या है सर स्थिति? हाँ जी, स्थिति क्या है सर? स्थिति सामान्य है इस समय। कहीं वैक्सीनेशन तो पूरे हो चुके जितने भी हमारे वैक्सीन थे, और स्थिति कंट्रोल में है। रुड़की तहसील में आज भारतीय किसान यूनियन रोड के पदाधिकारियों के द्वारा किसानों और आम लोगों की समस्याओं को लेकर आज ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के साथ बैठक की गई, और बैठक में किसानों के साथ आम लोगों को हो रही दिक्कतों पर काफ़ी समय तक चर्चा की गई। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पदम सिंह रोड के द्वारा बताया जा रहा है कि बिजली के तारों की हालत काफ़ी खराब हो चुकी है, जिस कारण से कई हादसे भी हो चुके हैं। साथ ही चकबंदी के अधिकारियों के द्वारा रिश्वत लेकर लोगों को चक्कों की अदला बदली की जा रही है, जिस कारण लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि एक सप्ताह के समय दिया गया है, और अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो तहसील परिसर में अनिश्चितकाल के लिए धरना प्रदर्शन और तालाबंदी की जाएगी। हमारी किसानों की समस्याओं को लेकर के हुई ये तो बिजली की समस्या बहुत बेतुकी चल रही है। जो वहाँ से हमें सामान नहीं मिल पा रहा, ट्रांसफार्मर फूके पड़े, लाइन खराब पड़ी, सब जो बिजली के तार है वो लटक रहे हैं, नीचे आ गए, उन पर हादसे हो रहे हैं, दो तीन लड़के मर भी चुके हैं उनमें। अच्छा, चकबंदी को लेकर हमारी बहुत मांग है। चकबंदी में जो है चकों को इधर उधर कर रहे हैं, पैसे लेकर कीमत लगा लगा कर वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, लूट मचाई मचा रखी, उस संबंध में हमारी बात हुई। एक यहाँ जो तहसील में जो यहाँ से पैमाइश के नाम पर कोई जाता नकल किसान को दे नहीं रहे, इन बातों को लेकर हमारी एसडीएम साहब से बात हुई, 7 दिन का टाइम दिया हमने। लश्कर के खानपुर में माड़ा बेला और शेरपुरा बैल के ग्रामीणों के बीच जमीन विवाद चल रहा है। बीते 11 नवंबर को लश्कर उप जिलाधिकारी द्वारा जमीन के पैमाइश कर जमीन को शेरपुर बेला गांव में ग्राम प्रधान के सुपुर्द कर दिया गया है। आरोप है कि बीते 3 दिन पहले ही मड़ा बेला गांव में लोगों के इस 15 हेक्टर जमीन पर अपनी दबंगई के चलते गेहूं की बुवाई कर दी, और साथ ही जमीन पर अपना कब्जा कर लिया। जैसे कब्जा मुक्त कराने के लिए आज सुबह शेरपुर बेला गाँव के ग्रामीण ग्राम प्रधान के घर बैठक कर रहे थे, उसी समय माड़ा बेला ग्राम प्रधान पुलिस को लेकर मौके पर पहुंच गए, और पुलिस ने बिना कुछ सोचे समझे ग्रामीणों के साथ अभद्रता शुरू कर दी, जिसके बाद ग्रामीणों और पुलिस के बीच विवाद शुरू हो गया। ग्रामीणों द्वारा पुलिस को गाड़ी पर जमकर पथराव किए गए, और पुलिस की ओर से ग्रामीणों पर लाठियां भांजी गई, साथ ही जिसमें कई ग्रामीण चोटिल भी हुए हैं। और नाराज ग्रामीणों ने लश्कर उप जिला अधिकारी के कार्यकाल पहुंचकर जमकर हंगामा किया, और महिलाओं सहित ग्रामीण धरने पर बैठे हुए नजर आए। देखिए, खानपुर क्षेत्रांतर्गत जो है दो गांव के बीच में ग्राम समाज की भूमि है, इसको लेकर पूर्व में विवाद था, और इसमें जो है विवाद को देखते हुए पुलिस द्वारा पूर्व में भी 116 जो प्रिवेंटिव कार्रवाई होती है इसमें पाबंद भी किया गया था, और इसमें एसडीएम लक्सर द्वारा मौके की पैमाइश करके स्थिति को जो जो भूमि थी उसको क्लियर कर दिया गया था। लेकिन आज दोनों पक्षों के जो गाँव के लोग हैं उसमें इकट्ठा हो रहे थे, और विवाद बढ़ता देखकर थाने से जो है यहाँ पर इंस्पेक्टर और चीता वालों को भेजा गया था, जो कॉन्स्टेबल थे, कि जो है कोई दोनों पक्षों में कोई वाद विवाद ना हो, कोई झगड़ा ना हो, अब अपनी घटना ना हो, इसको देखते हुए फोर्स को वहाँ जब भेजा गया, 3 लोग वहाँ गए थे मौके पर, जब उनको वहाँ वार्ता के लिए बुलाया गया थाने पर और लेके आ रहे थे वहाँ पर, तो वहाँ पर कुछ लोग उत्तेजित होकर और जो है एक राय होकर पुलिस के खिलाफ जो है नारेबाजी करते हुए फिर उसमें जो है कुछ लोग यहाँ पर आए थे, उनका ये कहना था कि वहाँ पर पुलिस के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई है। इसका जो मेन कारण है, मांडा बेला और शेरपुर बेला पहले एक ही ग्राम पंचायत थी, वर्तमान में 2 ग्राम पंचायतें हो गई हैं, दोनों के अलग अलग प्रधान हैं। जो ग्राम की सीमा है उसको, उस भूमि को लेकर के इनका एक विवाद काफी पहले से चल रहा था, जिसमें 8 हेक्टेयर भूमि जो मांडा बेला की शेरपुर बेला की सीमा में थी, मांडा बेला से दोनों पक्षों की उपस्थिति में सीमांकन करके मांडा बेला की उपस्थिति सुपुर्दगी में दे दिया था, और ये भूमि नदी श्रेणी गंगा नदी की भूमि है, जो दोनों ग्राम सभा की नहीं है, श्रेणी 132 की लैंड है। अब
अब खबर गोरखपुर गुलियारा थाना क्षेत्र के शिवपुर शाहबाजगंज का है, जहां पर 5 दिनों से एक वृद्ध महिला का शव बेड के नीचे पड़ा हुआ मिला है। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में लग गई है। महिला की हत्या की आशंका बताई जा रही है। मामले को लेकर SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा है कि पुत्र शराबी नशेड़ी प्रवृत्ति का है और उसके द्वारा बताया जा रहा है कि दाह संस्कार के लिए पैसा नहीं दिया था, इसलिए शव को घर में रखा था, लेकिन पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। हालांकि दुर्गत उठाने के बाद पुलिस को पता चला है कि फिलहाल शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। बब्बू चाय दे दो, बब्बू पानी दे दो, तो आसपास के लोग सुनते थे उनकी आवाज़, तो लोग संतोष चलो ठीक है, बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। कुछ दिनों से आदमी आभास कर रहा है कि आवाज़ नहीं आ रही उनकी, कुछ आवाज़ मूवमेंट वगैरह नहीं हो रहा है, तो लोगों को शक हुआ कि क्या बात है, या ये खाली दिन भर पीड़ा खा रहा है, कहीं ऐसा नहीं है कि नहीं रही। तो किसी ने 112 नंबर पुलिस को फ़ोन किया, सवेरे पुलिस वाले आए, तो पहले शाहपुर थाना आया, शाहपुर थाने वाले आए तो कि ऐसी सी बात है, तो कह रहे हैं कि पहले हम महाराजगंज, हमारी मम्मी का तबीयत खराब चल रहा है और इलाज चल रहा है वहाँ पर, तो कह रहे हैं अगर इलाज चल रहा है, पुलिस वाले बोले कि अगर इलाज चल रहा है तो मुझे वहाँ के जो भी उनके साथ होगा हमसे बात करा दीजिए। तो वो कहे कि नहीं, हमारे पास कोई नंबर नहीं है। फिर पूछे कि अच्छा बता दीजिए कहाँ पे रहती हैं, वो रहती थी जहाँ पे रहती थी वो जगह दिखा दिए। तो पूछे कि आप शाहपुर थाने में कहाँ से आए हैं, तो बोले कि शाहपुर से, कहना था हमारा तो ये गुलहरियाँ पड़ता है थाना, तो आप कौन होते हैं शाहपुर के, आप अंदर जाएंगे। तो फिर गुलहरियाँ थाने के लोगों ने, जहाँ तक मुझे जानकारी है, तो ये गुलहरियाँ थाना को सूचित किया गया, गुलहरियाँ थाना आई, फिर सीधे वहीं इनको लेके गया गया जिस रूम में रहते थे वहाँ गए, जब बेड पे ऊपर तो पता चला कि आज प्रातः थाना गुलरिया को ये सूचना मिली कि शिवपुर शाहबाजगंज में एक महिला की मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर थाने की पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वहाँ पता चला कि एक महिला जिनकी उम्र लगभग 80 वर्ष है, उनका शव कमरे में बेड के नीचे पड़ा हुआ है और वो लगभग 5 दिन पुराना है। वहीं उसका पुत्र भी रह रहा था और वो नशे का आदी है। उससे पूछा गया तो वो कुछ स्पष्ट रूप से नहीं बता सका। उसने ये बताया कि इनकी मृत्यु 5 दिन पहले हो गई थी। अब खबर गोरखपुर के सहजनवा थाना क्षेत्र के गैलेट सरिया फैक्ट्री में विगत 12 तारीख को हरिवंश मौर्य नामक एक मजदूर की मौत हो गई है। वहीं मृतक के परिजनों ने आपको बता दें कि मैनेजमेंट पर आरोप लगाते हुए कहा है कि मौत में 24 घंटे बाद तक हम लोगों को नहीं देखने को दिया गया, हम लोग रोते बिलखते रहे लेकिन ठेकेदार का कलेजा नहीं पसीहा। वही मृतक के बेटे ओम प्रकाश मौर्य ने बताया है कि वो धनघट्टा थाना क्षेत्र के जिला संत कबीर नगर का रहने वाला है। उसके पिताजी सहजनवा थाना क्षेत्र के गीडा गैलेट सरिया फैक्ट्री में विगत 4 से 5 वर्षों से काम करते हैं। विगत 12 तारीख को लगभग 10:30 बजे फैक्ट्री में फोन आया, अपने पिताजी का पैर टूट गया, ये बात सामने आई। उसके बाद आप लोग नगारिया हॉस्पिटल पहुंचे, ये बात कही गई है उनके तरफ से। उसके बाद किसी तरह वे हॉस्पिटल में पहुंचे और वहां पर ये मामला सामने आया। बता दें उनका ये कहना है कि हम मेडिकल कॉलेज पहुंचे और तो वहां पर पिताजी का शव प्लास्टिक में लपेट कर रखा गया था। हम लोग 12 से 6 बजे तक वहां पहुंचे और ठेकेदार और संबंधी लोगों के शव दिखाने की गुहार लगाते रहे लेकिन किसी ने भी हमारी नहीं सुनी। रात भर शव को रखने के बाद दोपहर में जब PM के लिए शव पहुंच गया तो वहां हम शव को देखने पहुंचे। वहीं पैर के नीचे का हिस्सा पूरे तरीके से चपटा हो चुका था। वहीं पंचनामा में लेकर अन्य कागजी कार्रवाइयों में हम लोगों को दूर रखा गया, ये लगातार आरोप परिजनों के तरफ से लगाए जा रहे हैं। साथ ही मृतक के बेटे का ये भी कहना है कि कल से हम लोग मेडिकल कॉलेज के इधर उधर भटक रहे हैं, शव मिलने के बाद हम लोग थाने पर तहरीर देने के लिए लोग न्याय की मांग करते हैं। और साथ ही बता दें कि इस मसले को लेकर मृतक के परिजन और उनके बेटे जो है लगातार न्याय की गुहार लगाते हुए पुलिस के सामने नजर आए हैं।
आए दिन भ्रष्टाचार की खबरें सुर्खियां में आती रहती है। जांच का दायरा भी बढ़ता जा रहा है और दोषियों पर कार्रवाई भी लगातार हो रही है। इसी तरह के मामले में मदरसा बोर्ड का आया है। गाजीपुर के बहादुरगंज नगर पंचायत के चेयरमैन निहत परवीन का एक मदरसा प्रधानाध्यापक भी की है और इस पर नियुक्ति 15 साल के पहले 17 मार्च 2006 को हुई थी, जिस पर नियुक्ति के लिए उन अंक पत्र का भी आपको बता दें परसेंटेज कम किया गया, फिर से नियुक्ति की गई और इसको लेकर बहादुरगंज के फैजान खान ने अल्पसंख्यक अधिकारियों से जांच की मांग की है और अल्पसंख्यक अधिकारियों ने मदरसा बोर्ड लखनऊ को जवाब मांगा है। अब जाँच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। आज अमेठी के गौरीगंज स्थित केंद्रीय कॉलेज कार्यालय से कांग्रेस नेता और प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय की अध्यक्षता में कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई है। डीजे की धुन पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं। गौरीगंज से निकली यात्रा बाबूगंज होते हुए ज्वाइस कस्बे में समाप्त हुई है। समाप्त स्थल पर अजय राय के एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करेंगे और यहाँ से निकलने के बाद यात्रा सुल्तानपुर भदौही चंदौली होते हुए वाराणसी में जाकर समाप्त होगी। कांग्रेस के पूर्व विधायक और प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय की यात्रा निकालने से पहले गौरीगंज केंद्रीय कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान अजय राय ने कहा है कि जीएसटी ने नाम पर व्यापारियों का शोषण किया जा रहा है। कई साल पहले जब जीएसटी की शुरुआत हुई तो राहुल गांधी ने कहा था कि यह गब्बर सिंह टैक्स है और जो आज सामने आ रहा है। नगर निकाय चुनाव को देखते हुए मौखिक रूप से इस छापेमारी पर रोक लगा दी गई है, लेकिन चुनाव के बाद ही फिर शुरू हो जाएगा और फिर व्यापारी जनसंघ के समय में बीजेपी का समर्थन कर रहा है, अब उसी का उत्पीड़न किया जा रहा है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। नमस्कार।